दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंकज शर्मा उर्फ बॉबी डार्लिंग के बारे में। ये नाम तो आपको भलीभांति पता होगा। ये बॉलीवुड की पहली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने एक वक्त पर काफी सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और अपनी गजब की एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस का खूब मनोरंजन किया। इनकी उल्टी सीधी हरकतें लोग खूब पसंद किया करते हैं। उस वक्त की बड़ी फिल्में हो या फिर प्रसिद्ध टीवी सीरियल, बॉबी डार्लिंग को हर कोई काम दे रहा था। मगर फिर अचानक से वो फिल्मी पर्दे से गायब होती चली गई और पिछले 8 सालों से फिल्मी पर्दे से पूरी तरह से दूर हैं। इनके चाहने वाले अक्सर ये सवाल करते रहते हैं कि आखिर बॉबी डार्लिंग गई तो गई कहां। तो आज हम आपको न केवल बॉबी डार्लिंग की जिंदगी की कहानी बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि इन दिनों बॉबी डार्लिंग कहां हैं, किस हाल में हैं और अब वह क्यों फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं। आइए पहले जान लेते हैं बॉबी डार्लिंग के शुरुआती जीवन के बारे में। बॉबी डार्लिंग का जन्म 20 जून 1973 को दिल्ली में हुआ था। जान के पेरेंट्स इनका नाम पंकज शर्मा रखा था, जहां अपनी पैदाइश के वक्त यह एक लड़का पैदा हुए थे। मगर पंकज आखिर बॉबी कैसे बन गए, स्टोरी हम आपको सुनाते हैं, जो काफी दिलचस्प है। असल में पंकज को बनाते वक्त ऊपर वाले से जरा गड़बड़ी हो गई। शरीर तो लड़के का था, लेकिन अंदर का हाव भाव लड़की का ही था। जैसे जैसे पंकज शर्मा बड़े होते गए, उनके बात समझ में आने लगी। उनकी आदतें लड़कियों जैसी थीं, लड़कों की तरह सजने संवरने का मन करता, लड़कों को छोड़कर लड़कियों के झुंड में बैठने को दिल करता। जब टीन एज में थे तब इनकी मां का निधन हो गया। मां के मौत के बाद वे काफी उदास रहने लगे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुनिया को क्या बताएं। दुनिया इन्हें जो समझ रही थी, असल में वह यह नहीं है। ऊपर से इनकी आदतें इनके माता पिता और रिश्तेदारों को काफी परेशान किया करती थी। महीनों तक अंदर ही अंदर घुटने के बाद आखिरकार एक दिन इन्होंने हिम्मत करके अपने पिता को बता ही दिया। ये शरीर से बेशक एक मर्द हैं, लेकिन मन से एक औरत हैं। यह बात सुनकर पिता का तो पारा ही हाई हो गया। इनके पिता इन पर बुरी तरह से भड़के। लोगों की लाज, शर्म और इज्जत के डर से पिता ने पंकज शर्मा को घर से निकाल दिया और घर छोड़ने के बाद पंकज शर्मा की हालत बहुत खराब हो गई। जैसे तैसे दोस्तों की मदद से बॉबी दिल्ली में फैशन इंडस्ट्री से जुड़ गए। यहाँ कई महीनों तक काम करने के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की उम्मीद से दिल्ली से मुंबई आ गई। मगर इतनी बड़ी सपनों की नगरी में बिना जान पहचान के गुजारा कैसे हो। तो मुंबई ने बॉबी की अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सिर पर छत और पेट के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए बॉबी एक बार में नौकरी करने लगी। बॉबी को शुरू से ही फैशन में जाने का शौक रहा था। कई महीनों के बाद बॉबी का संघर्ष रंग लाना शुरू किया और एक दिन बॉबी को मुंबई फैशन इंडस्ट्री में एंट्री करने का मौका मिल ही गया। बस यहीं से बदलनी शुरू हो गई बॉबी की जिंदगी। मुंबई फैशन इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद कई फिल्म स्टार्स से बॉबी की दोस्ती हो गई थी। ऋतिक रोशन भी बॉबी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वह भी बॉबी को प्यार से बॉबी डार्लिंग कहा करते थे। स्टार से दोस्ती हुई तो बॉबी ने फिल्मों में जाने का अपना सपना पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इस वक्त तक बॉलीवुड भी ट्रांसजेंडर्स को स्वीकार करने वाले मोड में आ चुका था। बॉबी की मेहनत रंग लाई और साल 1999 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म ताल में इन्हें एक ड्रेस डिजाइनर का छोटा सा रोल मिला। मगर इस फिल्म में पल भर के रोल में बॉबी नजर आई। इसी बीच डायरेक्टर एन चंद्रा का कॉल आया और उन्हें 2001 में आई फिल्म स्टाइल में काम मिल गया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और पहली बार बॉबी डार्लिंग लोगों की नजर में आ गए। न सिर्फ लोगों की बल्कि एक मशहूर प्रोड्यूसर की नजर में चढ़ गए। हुआ यूं कि स्टाइल फिल्म का प्रीमियर हो रहा था, उसमें एकता कपूर को भी बुलाया गया। उन्होंने बॉबी को फिल्म देखा तो वह पसंद आ गई, फौरन उनका नंबर लिया और कुछ समय के बाद उनको अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोल दे दिया। इसके बाद बॉबी डार्लिंग एकता कपूर की फैन हो गई। इन्होंने अपने कई सीरियल्स और फिल्मों में बॉबी को रोल दिया। खासकर क्या कूल है हम फिल्म में उनका रोल बहुत अच्छा था। अब बॉबी के पास काम की कमी नहीं रही। स्टाइल के बाद साल 2002 में एक साथ 3 फिल्में मिल गई, न तुम जानो न हम, मैंने दिल तुझको दिया और जीना सिर्फ मेरे लिए। 2003 में भी 3 फिल्में जिनमें रानी मुखर्जी शाहरुख खान के साथ चलते चलते भी थी। 2005 में तो बॉबी डार्लिंग ने धूम मचा दी, 3 फिल्में की जिनमें 2 हिट रही। पेज 3, क्या कूल हैं हम और वहीं तीसरी 2 उनको डायरेक्टर की जिद पर करनी पड़ी। निर्देशक संतोष सिवन ने एक दिन बॉबी को फोन किया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूं और फिल्म तुम्हारे बिना बन ही नहीं सकती है, तो तुमको इसमें अहम किरदार निभाना है। बॉबी ने फौरन हां कह दी और जबरदस्त एक्टिंग की। फिल्म आई नवरस।
बॉबी का अभिनय इतना शानदार था कि उनको एक विदेशी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का अवार्ड दिया गया। इसके बाद बॉबी डार्लिंग की सफलता का कारवां और तेज हो गया। बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्मों में रोल देने लगे। हैरानी इस बात की है कि उनको टीवी के भी मशहूर शोज मिलते जा रहे थे। कसौटी जिंदगी की, बिग बॉस, आहट से लेकर ससुराल सिमर का, जैसे कितने ही सीरियलों में बॉबी को अहम किरदार मिले। नाम, इज्जत, शोहरत ऐसी मिली कि जिस बाप ने उनको घर से भगा दिया था, उन्होंने सबके सामने आकर उस संतान को वैसे ही अपना लिया जिस रूप में वो थी। मगर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बॉबी डार्लिंग अचानक कहां गायब हो गई? क्यों सालों से आपको कहीं नजर नहीं आई? असल में बॉबी का एक फैसला उनके जीवन में ऐसी अनहोनी कर गया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में निजी जीवन में सच्चे साथी की तलाश में बॉबी ने कई बार मोहब्बत में धोखा खाया। यहां तक कि धोखा देने वालों की लिस्ट में क्रिकेटर मुनाफ पटेल का भी नाम आया था। मगर अभी और होना बाकी था। साल 2014 और 15 की बात है। बॉबी सोशल नेटवर्किंग साइट पर थी। अचानक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का भोपाल का एक बड़ा बिजनेसमैन था, नाम था रमणीक। दोनों की दोस्ती हो गई और एक दिन अचानक लड़के ने बॉबी को शादी के लिए बोल दिया। बॉबी को भी उस पर भरोसा हो गया और उसने भी हाँ बोल दी। मगर लड़के ने शर्त रख दी, बोला शादी से पहले तुमको जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा। रमणीक के प्यार में पागल बॉबी मान गई और बैंकॉक जाकर 10 लाख में सर्जरी करवा ली। मगर सर्जरी बहुत दर्दनाक साबित हुई। ऑपरेशन के बाद बॉबी रमणीक ने फरवरी 2016 में शादी कर ली और भोपाल चले आए। मगर ऑपरेशन का साइड इफेक्ट हो गया और बॉबी के शरीर को लकवा मार गया। पूरा शरीर दर्द में रहने लगा। बॉबी के करियर को झटका लग गया और जिसके लिए सब कुछ छोड़ा बॉबी ने, वह भी इन्हें नहीं मिला। अभी साल भर ही बीता था कि अचानक बॉबी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति का बहुत बड़ा सच बता दिया। खुलासा हुआ कि रमणीक उसको मारता पीटता है, गलत काम करता है और दूसरी लड़कियों से उनके संबंध है। पुलिस ने रमणीक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। निजी जिंदगी तो खराब हो ही गई, साथ ही करियर भी खत्म हो गया। बॉबी ने बहुत से लोगों से काम मांगा लेकिन सबने पूछना छोड़ दिया। वहीं जिसने भी काम देने की बात कही, वह उनको वही पुराने हिजड़े वाले किरदार देने को बोलते, जबकि बॉबी तो एक महिला बन चुकी है। ऐसे में उनका कहना था कि मुझे महिलाओं वाले किरदार दिए जाएं। बस ना बॉबी ने गंदे रोल किए और ना किसी डायरेक्टर ने महिला वाले किरदार उनको दिए। इन्हीं वजहों से सालों निकल गए और कभी बॉलीवुड में अपनी पहचान रखने वाले बॉबी डार्लिंग अचानक गुमनाम हो गए। इन दिनों दिल्ली और मुंबई दोनों जगह आती जाती रहती हैं। पुरानी फिल्मों से जो पैसे कमाए थे उनसे ही गुजारा चल रहा है। पति से तलाक तक केस चल रहा है और बॉबी फिल्मों से गायब हो गई हैं। दोस्तों, आपको बॉबी डार्लिंग कैसी लगती हैं और आपको इनकी कौन से फिल्म अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। For transgender, people for trans women, people for transvestite, people for queer.